ट्रैक्टर। यूं तो आम गाड़ियों की तरह यह भी डीजल पर चलने वाला वाहन है, लेकिन किसानों के लिए यह ट्रैक्टर उनका हवाई जहाज माना जाता है। किसानों के जीवन में ट्रैक्टर उनकी रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। ज्यादातर किसान इस ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई का काम करते हैं, तो कभी यह ट्रैक्टर फसलों की सिंचाई के लिए मोटर चलाने के काम भी आता है। यही नहीं, इस ट्रैक्टर से किसान अपनी फसल को खेत से मंडी और मंडी से शहरों में ले जाने का काम करता है। किसानों की आन बान और शान माने जाने वाला यह ट्रैक्टर आज किसान आंदोलन में भी कई तरह से किसानों के काम आ रहा है। आज यह ट्रैक्टर किसानों के लिए उनका घर बन गया है। आज दिल्ली से लगे हरियाणा के कई बॉर्डर पर लाखों की संख्या में ट्रैक्टर मौजूद हैं और किसानों द्वारा इन बॉर्डर पर ट्रैक्टरों से एक छोटा शहर बनाया गया है। इस किसान आंदोलन में ट्रैक्टरों की एक अलग ही भूमिका दिखाई दे रही है। कभी इस ट्रैक्टर को कोई 80 साल का बुजुर्ग चलाता दिखाई देता है, तो कभी 8 से 9 साल का बच्चा इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभाले दिखते हैं। वहीं दूसरी ओर अब यह ट्रैक्टर किसानों के रौब दिखाने में काम भी आ रहा है। किसान आंदोलन में हमें कई तरह के आकर्षक ट्रैक्टर देखने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ टिकरी बॉर्डर पर 36 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया अत्याधुनिक ट्रैक्टर देखने को मिला, जिसमें जीपीएस सिस्टम से लेकर कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। ये जो प्यार मेरे भाई किसान भाई जो इसको प्यार दे रहे हैं जी, मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ, इसकी मैंने की है। बाकी ये आकर्षण का जो केंद्र बना हुआ है, ये किसानों ने बना रखा है और ये किसानों का ट्रैक्टर है, मेरा ट्रैक्टर नहीं। स्पेशल इसीलिए तैयार कराया है, किसान भी सामर्थ है जी, किसान भी बुद्धिमान है और ये हमारी जो है मशीन, वो मशीन है जिसने हमारे गऊ के जाए जो बैल थे ना, उनका पिंड छुड़वाया जी। और ये हमारा पुत्र भी है, साडा प्यो भी है। बाकी ये ट्रैक्टर जो है हमारी खाप को समर्पित कर रखे हैं हमने जी। ये हमारी गुड़िया खाप की शान है, आन बान और शान हमारा जो है ट्रैक्टर है, हमारी अलग से पहचान है जी। जब हम कोई बड़ा आयोजन होता है तो इस ट्रैक्टर के माध्यम से हम इस पर बैठ के, हमारी पंचायत इस पर बैठ के वहाँ पहुँचने का काम करती है। और ये इससे पहले हम हाथी यूज करते थे जी, अब हाथी बैन कर दिए। बैन करने के बाद हमने विचार किया कि कोई बड़ी विशाल का ऐसी चीज़ हो कि जो हाथी को भी मात देने का काम, हाथी से भी बड़ा, और हमने फिर इसका निर्माण कराया जी। आज ही आपके सामने इसके अंदर जीपीएस सिस्टम, अगर इसको चाह के भी कोई आदमी कहीं लेके जाएगा, अगर हमने इसको भर दिया कि आप बहादुरगढ़ से आगे नहीं जाओगे तो बहादुरगढ़ से आगे जाने का काम नहीं करेगा जी जी जी। इसके अंदर कोई छेड़छाड़ करेगा तो हमारे पास तुरंत इसका मैसेज पहुंचेगा। और ये 75 की स्पीड से दौड़ता है जी। इसके अंदर अनेकों विशेषताएं जी, बिल्कुल इसके अंदर इतनी पूंजी लगी हुई। तो वहीं ट्रैक्टर रैली में एक अन्य लग्जरी ट्रैक्टर के दर्शन हुए, जिसकी ट्रॉली को किसी राजा के वाहन की तरह तैयार किया गया है। यह ट्रैक्टर किसान आंदोलन में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आंदोलन में आने वाले लोग खुद को इन ट्रैक्टरों के पास जाने से नहीं रोक पा रहे हैं और उनके पास जाकर फोटोज और सेल्फी लेने का काम कर रहे हैं, जो किसानों में जोश भरने का काम कर रहा है।